नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कन्या राशि वालों का वार्षिक राशिफल बताने वाली हूँ 2021 का। पूरा वीडियो आप देखिएगा। इस पूरे वीडियो में मैं आपको करियर बिजनेस, व्यापार, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, इस शिक्षा, स्वास्थ्य, धन लाभ, धन व्यय, इसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कन्या राशि के अनुसार जो है, इस वर्ष पंचम भाव में मौजूद शनि कभी अच्छे फल देंगे तो कभी अधिक मेहनत कराएंगे। इसके चलते आपके जीवन में कई बड़े बदलाव आएंगे। आपका करियर इस वर्ष उतार चढ़ाव से भरपूर होगा। संभावना है कि शनि की दृष्टि आपका मन कार्य क्षेत्र में कम लगाएगी। इसके कारण आप कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। 2021 के अनुसार स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बन रहे हैं। ऐसे में आपको हर छोटे छोटे मौके का उचित लाभ उठाने की आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा समय प्रतिकूल रहेगा। निवेश करते समय सावधानी बरतें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। जनवरी, मई, सितंबर, दिसंबर के महीने आपके लिए आर्थिक जीवन के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल रहने वाले हैं। इस दौरान आप नए संपर्कों से अच्छा खासा धन अर्जित करने में सफल हो पाएंगे। इसके अलावा आर्थिक तंगी से आपको गुजरना पड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पॉलिटिक्स, सोशल वर्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो छात्र हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े जो छात्र हैं उनको छोड़कर बाकी सभी छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको पहले से ही अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, इसके बाद आपको सफलता मिलेगी। इसलिए अपनी मेहनत में किसी कारणवश कमी न आने दें, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है। मैं आपको जो है सविस्तर में भी यह राशिफल बताने वाली हूँ, पहले संक्षेप में बता दूंगी। पारिवारिक जीवन में भी ग्रह अपने गोचर के दौरान अपने मिश्रित फल प्रदान करेंगे। इसके कारण साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। उतना ही वर्ष का अंत आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिए प्रतिकूल रहने वाला है। वैवाहिक जो लोग हैं उनके जीवन में कुछ परेशानियाँ आने वाली है। इस वर्ष आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। साथ ही आप दोनों के बीच परिवार को लेकर विवाद होगा। बीच में आपको जो है आपके जीवन साथी का साथ मिलेगा और उनके सहयोग से आप बेहतर करने में सफल होंगे। वही दाम्पत्य जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होगी। पंचम भाव में ब्रह्म सिद्धि की स्थिति संतान अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा कर सकेगी, जिससे देख पाएंगे कि आप भी खुश होंगे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं व्यापारी जीवन। कन्या राशि के जो लोग मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे आपको। आपकी राशि के पंचम भाव में शनि देव विराजमान होंगे, जिसका आपका कार्यक्षेत्र में मन नहीं लगेगा। संभावना है कि आप नौकरी बदलने का विचार करेंगे। विशेष तौर पर अप्रैल से सितंबर के मध्य की नौकरी में कई विशेष बदलाव आ सकते हैं। आपका फैसला आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। नौकरी करने वाले जो लोग हैं, सितंबर से नवंबर के बीच अपने वरिष्ठ अधिकारियों, अपने बॉस द्वारा आपको सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। 20 नवंबर के बाद साल के अंत तक आपको करियर में कई महत्वपूर्ण मौके प्राप्त होंगे, जिनका लाभ आपको उठाना होगा। जनवरी, मार्च और मई का महीना आपके करियर के लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। ग्रहों की चाल आपके अनुकूल होने से इस दौरान आपको मनचाहा ट्रांसफर मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपको धन लाभ भी होगा। अप्रैल में आपको विशेष सावधानी बरतने की सलाह देती हूँ मैं। इस समय आपके कार्यस्थल पर आपका किसी महिला सहकर्मी से विवाद हो सकता है, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। व्यापारी जो है उनको शुरुआत से लेकर 6 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही इसके बाद 15 सितंबर तक का समय आपके लिए व्यापार के लिहाज से अच्छा नहीं साबित होगा। इस दौरान आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। यदि आपके कोई बिजनेस पार्टनर है तो शिप में व्यापार करते हैं तो इससे आपको कोई बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान संभव है। अपने व्यापार में कोई बड़ा फैसला लेते समय अपने सहयोगी या वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह जरूर लें। व्यापार में 15 सितंबर से 30 नवंबर में मध्य कोई बड़ा निवेश हो सकता है, जिससे आपको फायदा पहुंचेगा। 30 नवंबर के बाद यदि आप अकेले व्यापार करते हैं तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। अब जानते हैं कन्या राशि वालों का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में आपको इस वर्ष बहुत सी उठा पटक से गुजरना पड़ेगा। 2021 की शुरुआत में आर्थिक तौर पर आप कमजोर नजर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलता दिखाई दे रहा है, जिससे स्थितियों में सुधार देखा जाएगा। वर्ष की शुरुआत में मंगलदेव का गोचर भी आपकी राशि के अष्टम भाव में होने से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी सुनिश्चित कर रहा है।
जिसके कारण आपको कई गुप्त तरीकों से धन लाभ होगा। साथ ही राहु आपकी राशि के नवम भाव में विराजमान रहेंगे जिसके चलते आपको अचानक धन लाभ होगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत नजर आएगी। अप्रैल से सितंबर के दौरान आपके खर्चों में अचानक वृद्धि दर्ज की जाएगी, लेकिन इस समय धन संबंधी मुनाफा बरकरार होने से आर्थिक तंगी नहीं महसूस होगी। इसके बावजूद आपको निरंतर अपने धन संचय करने की ओर अधिक ध्यान देना होगा। सितंबर के बाद का समय काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके लिए जनवरी और दिसंबर का महीना काफ़ी अनुकूल रहेगा। इसके अतिरिक्त मई में भी आपको कई विदेशी स्रोतों से धन कमाने का मौका मिलेगा। अब जानते हैं कन्या राशि वालों की शिक्षा, प्रेम, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और धन के बारे में। सबसे पहले मेरे चैनल एंजल टिप्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और फिर बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कन्या राशि वालों के लिए 2021 के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के जो लोग इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र से कुछ परेशानियां होने वाली है, ऐसे में आपको अपनी मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। साल भर शनिदेव आपकी राशि के पंचम भाव में रहेंगे जिससे आपको अपनी मेहनत के अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त होंगे। ऐसे में कठिन मेहनत करेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की मदद भी आप ले सकते हैं। आपका मन पढ़ाई लिखाई के कामों में कम लगेगा जिससे आपका ध्यान भ्रमित होगा। इसलिए परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में सफलता पाने में थोड़ा ज़्यादा इंतजार आपको करना होगा। जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी लगे हैं उनको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन उन्हें उसे शुरुआत से ही मेहनत करनी होगी जब तक आप आंशिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं तो आपको सफलता के कई मौके मिलेंगे। इस दौरान आप कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल करेंगे। शैक्षणिक जो है भविष्य आपका, विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए अगस्त का महीना विशेष अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा मई का महीना छात्रों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपको इस समय अपनी शिक्षा में सफलता के कई अवसर मिलेंगे। यदि आप पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अब जानते हैं पारिवारिक जीवन। 2021 में कन्या राशि के लिए पारिवारिक जीवन देखें तो सामान्य से थोड़ा कम अच्छा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में जहां आपको परिवार का साथ नहीं मिलेगा, वही वर्ष के मध्य में जो है भाई बहन का आपको सहयोग दिखाई दे रहा है। साल का अंत आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा। अप्रैल से सितंबर के बीच ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने की वजह से परिवार के किसी सदस्य से आपका झगड़ा हो सकता है। ऐसे में आपको अपने गुस्से पर संयम रखते हुए अपनी छवि को सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिए। इस समय पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसके लिए आपके लिए इस विवाद से दूर रहना ही अच्छा रहेगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसना पड़ सकता है। साल की शुरुआत और वर्ष के अंत में आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा जिससे घर का वातावरण अच्छा रहेगा। इस वर्ष जनवरी, फरवरी, मई, जून और जुलाई का महीना विशेष अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको पारिवारिक जीवन में परेशानियां उठानी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष। कन्या राशि वालों के लिए जो है 2021 में वैवाहिक जीवन सामान्य रहने वाला है क्योंकि इस वर्ष आपके साथी को कार्यक्षेत्र में साल की शुरुआत के 3 महीने में और सितंबर दिसंबर के मध्य में कोई बड़ा लाभ मिलने के योग बनेंगे जिससे आपकी पारिवारिक स्थिति बेहतर होगी। साथ ही जीवन साथी आपकी मदद भी करेगा और उनकी मदद से धन प्राप्त करने में आप सफल होंगे। इस समय जो है आप दोनों के बीच तनातनी भी बरकरार रहेगी। साथ ही की सेहत का ध्यान रखें और उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या संभव है तो इसके आप दाम्पत्य जीवन आपका प्रभावित हो सकता है। किसी कारण वह ससुराल पक्ष से विवाद होगा, ऐसे में विशेष रूप से फरवरी से अप्रैल के बीच अपने जीवन साथी के परिवार वालों से बातचीत करते हुए सावधान रहे, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन में तनावग्रस्त हो सकता है। अगर आपकी संतान की बात करें तो आपको संतान द्वारा दिए गए संतान आपको मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। यदि संतान विदेश जाने की इच्छा रखती है तो उन्हें विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। आपकी संतान से पहले से अधिक आज्ञाकारी और प्रयासरत दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन के लिए जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, अगस्त का महीना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इस समय आपकी संतान साहस में और पराक्रम में वृद्धि होगी जिससे वह अपना बेहद बेहतरीन प्रदर्शन दिखा पाने में सफल रहेंगे। यदि आपकी संतान विवाह हो गया है तो उनका विवाह इस वर्ष होना संभव है। अब जानते हैं प्रेम जीवन। 2021 में कन्या राशि वाले जो लोग प्रेम में पड़े हैं उनके लिए यह वर्ष सामान्य से बेहतर परिणाम मिलेंगे। साल भर आपको प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव
बुरी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। आपके लिए साल की शुरुआत और दिसंबर का समय समस्याओं से भरा रहेगा। इसके अलावा बाकी समय आप अपने प्रियतम के साथ प्रेम सागर में हिचकोले खाते दिखाई देंगे। इस समय विशेष रूप से अपने प्रेमी के साथ किसी भी विवाद में न पड़े, अन्यथा इसका अवसर प्रेम जीवन पर बढ़ सकता है। जनवरी के अंत से फरवरी और फिर जून से जुलाई तक का महीना विशेष रूप से अनुकूल साबित होगा। इसके साथ ही अक्टूबर से दिसंबर में आप अपने रिश्ते में गजब का आकर्षण महसूस करेंगे। इसके साथ ही जनवरी मई और अक्टूबर के बीच आप दोनों के बीच का संबंध निखर कर आएंगे, जो आपके रिश्तों में मजबूती प्रदान करेगा। कुल मिलाकर कहे तो इस वर्ष आपको प्रेम जीवन में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे आप अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। अब जानते हैं स्वास्थ्य। कन्या राशि के स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो आपकी सेहत के लिहाज से यह वर्ष अच्छा रहेगा। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि दर्ज की जाएगी, क्योंकि साल भर जो है आपकी राशि के तीसरे भाव में केतु मौजूद रहेंगे। छोटी मोटी बीमारियां दूर रखने में ये आपको मदद करेंगे। इसके साथ ही जब वर्ष के मध्य में बृहस्पति भी 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक आपकी राशि के पंचम भाव में रहेंगे, तब आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। आपको जो है मधुमेह जैसी परेशानियां हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए जो है आपको दर्द, अपचन, एसिडिटी की संभावनाएं आपको साल भर परेशान कर सकती है। इसके लिए आपको अप्रैल, अगस्त और सितंबर का महीना समय स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक रहने वाला है। जितना संभव हो खुद पर ध्यान रखिए। अब जानते हैं कन्या राशि वालों की नौकरी। 2021 में जो है मिश्रित परिणाम जो है आपको मिलेंगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी नौकरी में मन नहीं लग रहा है, तो आपको नौकरी बदल लेनी चाहिए, लेकिन इसके लिए भी एक उचित समय रहेगा, अन्यथा मुश्किलें आ सकती हैं। आपको किसी सहकर्मियों से विवाद होने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको नुकसान देगा। अप्रैल के बाद से सितंबर के मध्य के बीच आपको अपनी नौकरी में बदलाव का विशेष अवसर प्राप्त होगा। आप अपनी नौकरी में बदलाव के प्रयास करेंगे और वह बदलाव सफल भी होंगे। नई नौकरी आपको कुछ नई चुनौतियां देगी, लेकिन आपका पदभार और आपका वेतनमान दोनों आपके लिए अधिक हो सकते हैं। मतलब जो है आपकी पोजीशन और आपकी सैलरी दोनों अधिक होंगे, जो आपको बहुत समय तक संतुष्टि देंगे। इसलिए आपका मन लगाकर काम करेंगे। इस समय आपको एक बात पर ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस रखिए, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, उतना ही फायदा आपको उस समय में होगा। सितंबर से नवंबर के बीच का समय आपको कोई विशेष उपलब्धि या पुरस्कार दिलवा सकता है। बिजनेस। कन्या राशि के जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए वर्ष की शुरुआत बेहद ही अनुकूल रहेगी। आपको अपने बिजनेस में आशा के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे तथा बिजनेस का विस्तार होगा। यह समय आपको कुछ कुशल व्यवसायी बनाएगा। आप अपनी नीतियों पर चलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद स्थितियों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपको बड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। आपके पास काम की कमी आनी शुरू हो जाएगी। सितंबर तक यह सिलसिला चल सकता है, जो कि एक लंबा समय है। इसके लिए बेहद सावधानी रखते हुए आपको काम करना चाहिए। कुछ नए लोगों से मिलकर भी पार्टनरशिप काम कर सकते हैं, जिससे काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 15 सितंबर के बाद ऐसा समझ लीजिए कि परेशानियों के बादल छट जाएंगे, आपको सूर्य किरण दिखाई लगेंगे। आपको कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, जो बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। अब जानते हैं प्रॉपर्टी और वाहन। कन्या राशि वालों के लिए जो है वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपको जनवरी से लेकर अप्रैल की शुरुआत तक का समय प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल रहेगा। इस समय आप प्रॉपर्टी में वृद्धि हो सकती है। यदि आप चाहें तो अपने मकान के लिए इस समय प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। हालांकि अप्रैल से सितंबर के बीच का समय अनुकूल रहेगा। आप संपत्ति विवाद में फंस सकते हैं, इसलिए बेहद सावधानी रखें। कोई भी ऐसा सौदा न करें जो बाद में परेशानी का कारण बनेगा। सितंबर से नवंबर के बीच का समय एक बार फिर से आपको अपने रुके हुए कामों में आगे बढ़ाने में सफलता दिलवा देगा। इस दौरान आपको कोई बड़ा वाहन खरीद सकते हैं। यह वाहन आपके परिवार के लिए खरीदेंगे, इसलिए कोई बड़ा वाहन भी हो सकता है। संतान पक्ष। 2021 में आपको संतुष्टि मिलेगी। आपकी संतान अत्याचारी होने के साथ साथ संस्कारी भी होगी, अपने मूल्यों को समझेगी, उन्हें आप पर परवरिश भी उन्हें आपकी परवरिश की
जानकारी होगी जिससे आपके बीच के संबंध मधुर होंगे। इस वर्ष आपकी संतान पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ अच्छा कामयाबी प्राप्त करेगी। वे पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाना चाहती है तो उसे भी सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत होने की लोगों की इच्छा भी पूरी होगी। यदि संतान विवाह हो गए हैं तो इस साल उनका विवाह करने के सौभाग्य भी आपको प्राप्त होगा। सामान्य औरतों से देखा जाए तो आपकी संतान की प्रगति के लिए यह एक उत्तम वर्ष साबित होगा। उनको प्रगति करता देख आप भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे। अब जानते हैं धन लाभ एवं धन व्यय। 2021 में जो है कुछ चुनौतियों के साथ आपको आर्थिक तौर पर सफल बनाने का प्रयास मिलेगा। वर्ष की शुरुआत कमजोर रहेगी। आपको कुछ खर्चे बेवजह होंगे जिसे आपको करना भी होगा, लेकिन आप मजबूरी में हद से ज़्यादा धन खर्च कर देंगे। हालांकि इस समय कुछ ऐसी स्थितियां निर्माण भी होगी जो आपको गुप्त धन प्रदान कर सकती है, लेकिन गुप्त धन कुछ नई चुनौतियों के साथ आता है, इसलिए सावधानी जरूर बरती है। वर्ष का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक खर्चों वाला होगा। आपको बेहद संभल कर कदम बढ़ाने होंगे। अप्रैल से सितंबर तक और 10 नवंबर से लेकर दिसंबर तक का समय खर्चों में वृद्धि का समय होगा। आपको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाते हुए नित्य बचत करने की आदत डालनी होगी और धन को सही तरीके से निवेश करना होगा, तभी उसकी वृद्धि का प्रयास होगा, तभी आप सही तरीके से अपने धन को वृद्धि की ओर ले जाएंगे। अब जानते हैं कुछ उपाय। कन्या राशि वालों के लिए 2021 में कुछ उपाय मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। अब उपाय है कन्या राशि वालों के लिए 2021 के लिए कि किसी भी बुधवार के दिन अपनी कनिष्ठिका उंगली में उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न सोने की अंगूठी में आपको धारण करना है। इससे आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। मैं जो भी उपाय बता रही हूँ उनमें से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। मंगल और बुधवार को ग्रह को शांत करने के लिए हर मंगलवार के दिन थोड़ी साबुत मूंग की दाल भिगोकर अपने अगले दिन जो है अपने दोनों हाथों से गौ माता को खिलाइए। संभव हो तो रोजाना या फिर हर शुक्रवार श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यह आपकी हर प्रकार की आर्थिक तंगी खत्म कर देगा। शुक्रवार के दिन किसी भी माता के मंदिर में जाकर एक लाल फूल और एक लाल फल माता रानी को अर्पित करें। अपने पर्स या पॉकेट में हमेशा चांदी का एक ठोस चौकोर टुकड़ा रखें। इससे आपको अपने कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो यह था कन्या राशि वालों का 2021 का वार्षिक राशिफल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।